हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग व्लॉग्स विद त्रिवेणिका। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पेंटिंग निब्स यूज़ करते हैं पेंटिंग करने के लिए, एक प्रॉब्लम वो ज़रूर फेस करते होंगे कि निब्स बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती हैं और गंदी हो जाती हैं और उनके अंदर कलर भी चला जाता है, जिससे कि क्या होता है, जब आप पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करते समय वो फिनिशिंग नहीं आती है और फिर आपको प्रॉब्लम होती है लाइंस ड्रॉ करने में और वो एक बहुत ही डर्टी लुक देती है आपकी पेंटिंग को। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किस हर पेंटर के लिए जो कि मधुबनी पेंटिंग निब्स यूज़ करते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इस तरीके की जो कलर्स और इंक जो फंस जाती है निब्स के अंदर, हमें सबसे पहले अपनी निब्स को डिटैच करना है उसके होल्डर से। इस तरीके से हम उसको डिटैच कर लेंगे और इसके बाद जितना भी ये जो जमा हुआ है इसको हम क्लीन करेंगे। तो पहले मैं सारी जितनी भी मेरी निब्स हैं जो डर्टी हो गई हैं उनको डिटैच कर लेती हूँ। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि अब हम इनको एक बाउल लेंगे, आप कोई भी बाउल ले सकते हो, यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर मैं अपनी निब्स को डाल दूँगी और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी शैम्पू। आप चाहें तो हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई भी लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं। याद रहे, हाँ, जो केक वाले सोप होते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो बाउल है इसमें मैंने इंक निब्स डाल ली हैं और उसमें वाटर ऐड कर लिया है और थोड़ा सा मैंने शैम्पू डाल लिया है। शैम्पू क्या होता है, बहुत माइल्ड होता है तो वो इनको हार्श नहीं करेगा और अगर ये आपकी प्योर स्टील की निब्स हैं तो इनमें जंग भी नहीं लगेगा और ये बहुत ही क्लीन हो जाएंगी। तो अब इस तरीके से उसको मिक्स करके हमें रख देना है 2 आवर्स के लिए और 2 आवर्स के बाद आप जब इसको देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो आइए जल्दी से हम इसको 2 आवर्स के लिए रख देते हैं और इसके बाद का प्रोसीजर फिर हम शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, 2 आवर्स हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो मिल्की वाइट वाटर था वो पूरा ब्लैक हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाटर के अंदर जो इंक के ट्रेसेस थे वो भी तैर रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो निब्स है वो क्लीन हो गई हैं और जो बहुत ज़्यादा डर्टी थी, जिनके अंदर कलर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, वो थोड़ा सा हमें अपनी नेल्स की हेल्प से या किसी ब्रश की हेल्प से उसको आप रिमूव कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, बहुत हार्श हमें यूज़ नहीं करना है ब्रश, इसलिए आप अपनी नेल से उसको हल्का सा करेंगे तो वो इजीली निकल जाता है। और देखिए किस तरीके से ये एकदम क्लीन हो गई हैं। तो अब ये मैंने टिश्यू पेपर पे ले ली हैं और यहाँ पर मैं इनको क्लीन करूँगी और यहाँ पर आप इनको नॉर्मल वाटर या क्लीन वाटर से भी इनको एक बार वॉश कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इनको ड्राई करके और होल्डर में यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से इनको अच्छे से पोंछना है हमें, जो अंदर का पोर्शन है वो भी ड्राई होना चाहिए और वहाँ कहीं पे भी वाटर का जो कंटेंट, मतलब वाटर कहीं भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। तो इसलिए टिश्यू पेपर का यूज़ करें या किसी भी कॉटन क्लॉथ का। और देखिए हमारी जो निब्स हैं वो बिल्कुल न्यू निब्स हो गई हैं। तो इस तरीके से आप इनको क्लीन कर सकते हैं और अपनी पेंटिंग को अच्छा बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।